देखिए डिमोनेटाइजेशन के केस में हुआ क्या है, आमतौर पर सारे केसेस में क्या हुआ, एसएससी ने अपने बैंक में कैश जमा कराया, वो कैश या तो उसकी कैश बुक के अंदर मौजूद था, या तो उसका ओपनिंग कैश इन हैंड था, या फिर उसके पास सेल्स के थ्रू आया जो कि उसकी बुक्स में सेल में क्रेडिट हुआ। 8 नवंबर को उसने कहा कि मेरे पास ये कैश इन हैंड मेरी बुक्स में अवेलेबल है। 8 नवंबर को नाउ इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू डिपॉजिट दैट अमाउंट टू द बैंक, और फिर उसने वो पैसा अपनी कैश बुक में आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास कितने स्पेसिफाइड बैंक नोट्स हैं, और उस पैसे को उसने जाके बैंक में जमा करा दिया, राइट? या कुछ लोगों के पास ऐसा पैसा होगा जो उनका स्त्री धन था या ओल्ड सेविंग्स जो उन्होंने निकाली होगी, जो उनके पास पुराने नोट थे वो उन्होंने जमा करा दिए। अभी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन हम उन एसएससीज की बात करते हैं जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश आ रहा है, जिन्होंने अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, जिनके पास कैश बुक है, जिनके पास लेजर है, जिनके पास सेल और परचेज के बिल है। अब उस आदमी के पास ओपनिंग कैश इन हैंड है, या फिर कैश इन हैंड उसने बैंक से निकलवाया, या किसी डेटर से रिसीव किया, या फिर उसको सेल के अगेंस्ट कैश आया, तो वो उसने अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट कर दिया। और जब उसने 8 नवंबर को जितना कैश इन हैंड उसके पास बचा हुआ था वो उसने बैंक में डिपॉजिट करा, राइट? अब जब असेसिंग ऑफिसर इस केस को एग्जामिन करेगा तो उसको कैश बुक में 4 चीजें मिलती हैं। या तो वो कहेगा कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड आ रहा था वो गलत है, या फिर वो आपसे कहेगा कि जो आपने जिस डेटर से कैश रियलाइजेशन दिखाया है ये आप प्रूव करिए, दिस इज नॉट करेक्ट, या फिर वो आपसे कहेगा कि आपने बुक्स में जो कैश सेल्स दिखाई है दैट इज बोगस सेल्स, ठीक है, या फिर वो कहेगा कि आपने पैसे आपने बैंक में जमा कराए हैं गैर बोगस, या आपने आपके कहीं और से आपके पास पैसे आए थे और ये वो वाले पैसे नहीं है, राइट? इस चार के अलावा देयर इज नो अदर सिचुएशन, और ये चारों ही आइटम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। आपका ओपनिंग कैश इन हैंड भी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, आपने अगर बैंक से पैसा विड्रॉ किया वो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, आपके पास किसी कस्टमर से पैसा आया वो भी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, आपके पास सेल से पैसा आया तो वो भी आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, और आपने जब उसको बैंक में जमा कराया वो भी आपकी बुक्स में, राइट? यार ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है सर? बिल्कुल ऐसे ही। अब जब असेसमेंट हुआ, जब ई असेसमेंट हो रहा था, तो उस समय मे बी आई हैव अपलोडेड माई कैश बुक, मे बी आई हैव अपलोडेड माई एंटायर ledgers and everything, उसके अलावा मे बी आई हैव अपलोडेड माई स्टॉक रजिस्टर, मे बी आई हैव ऑल्सो अपलोडेड माई बैंक स्टेटमेंट्स, एंड मे बी आई हैव ऑल्सो अपलोडेड परचेज बिल्स एंड सेल बिल्स। लेकिन हर एक किसी के लिए तो इतना आसान काम नहीं होता पूरी की बुक्स को स्कैन करके और आपको ई असेसमेंट के पोर्टल पर डालने, और ये हमारा पहला साल है। और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, बहुत सारे एसएससीज ने ये सारी चीजें अपलोड कर दी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या असेसिंग ऑफिसर बिना एसएससी को बुलाए क्या उन बुक्स को वेरीफाई कर सकता है, क्या उन बुक्स को लिंक कर सकता है? या हम खुद भी समझें कि एक अननोन आदमी एक बुक्स को क्या सिंगल हैंडेडली विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एन अकाउंटेंट, विदाउट द असिस्टेंट ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द एसएससी, और विदाउट द असिस्टेंस ऑफ हिज काउंसिल कैन ही वेरीफाई द बुक्स? तो यानी क्या हुआ कि ये जो हियरिंग हमें ई असेसमेंट के दौरान नहीं मिलती, तो एटलीस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया, ठीक है? तो यहां पर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अपने बुक्स को रिप्रेजेंट करने की नहीं मिली। अभी बुक्स की भूमिका मैंने क्यों बताई, इस पूरे डिमोनेटाइजेशन की अपीलों के दौरान द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाई द एसएससी, ये उसका सबसे बड़ा उसके पास जवाब है। अगर एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो डिमोनेटाइजेशन की अपीलों में उसको रिलीफ देना बहुत मुश्किल होगा। और अब हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास डिमोनेटाइजेशन के ऑर्डर आए हैं तो उसमें क्या किया है एसएससी ऑफिसर ने, 3 तरह के आपके पास ऑर्डर होंगे। या तो उसने सेक्शन 68 में एडिशन की होगी, कहा हुआ कि आपकी सेल बोगस है, या कहा हुआ कि आपके बैंक डिपॉजिट अनएक्सप्लेन है,
उसके ऊपर या तो सेक्शन 68 लगा दिया होगा या फिर सेक्शन 9 कैपिटल ए लगा दिया होगा अनएक्सप्लेन में, राइट। और साथ में लिखा होगा कि ये दिस दीज आर बिकॉज एडिशन इज मेड अंडर सेक्शन 68 एंड 69 कैपिटल ए ऑफ द एक्ट, तो साथ में आपके ऊपर लगा दिया होगा चार्जिंग सेक्शन 115 बीबीई जिसमें आपको लगता है 60% टैक्स, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इस पूरी अपील के मर्म को समझने के लिए हम सिर्फ चार सेक्शंस को पढ़ते हैं। आपके पास इनकम टैक्स एक्ट हो तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 बीबीई, हम पढ़ेंगे सेक्शन 68, सेक्शन 69 कैपिटल ए, और साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 145, ठीक है जी। अब सेक्शन 115 बीबी की मैं ज्यादा पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सेक्शन 1 पढ़ता हूं, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, और इसका पार्ट बी पढ़ता हूं, डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर इंक्लूड्स एनी इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 68 69 69 कैपिटल ए बी सी एंड डी, एंड इफ सच इनकम इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज ए, यानी कि जब भी असेसिंग ऑफिसर ने आपको सेक्शन 68 की एडिशन कर दी, सेक्शन 69 की एडिशन कर दी, सेक्शन 69 कैपिटल ए बी सी एंड डी इन छह सेक्शनों की कोई भी एडिशन कर दी, तो आपको ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 60% टैक्स लगेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि अगर मेरी इन छह सेक्शन में एडिशन हो गई तो मुझे टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 बीबी, और 115 बीबी का जो टैक्स है इसका जो इफेक्टिव रेट आता है दैट कम्स टू 83.25%। अब आप कहेंगे यहां तो लिखा है 60%, 83.25 कैसे हो गया, 60% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 बीबी, 25% उस पर सरचार्ज, यानी कि 60 का 25% हुआ 15%, कितना हो गया 75%, 75% पर 3% सेस हो गया, कितना हो गया 77.25%, और उसके ऊपर टैक्स के ऊपर आपको 10% पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271AA, राइट। वो हो गई आपकी 10% ऑफ 60%, वो हो गया 6%, 77.25 प्लस 6%, तो आपका इफेक्टिव रेट आ गया 83.25%। जो बाकी की जो एडिशन होगी उसके ऊपर जो मुझे टैक्स लगेगा एज पर नॉर्मल प्रोविजंस लगेगा, और उसमें जो मुझे पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए लगेगी, ठीक है। तो यानी अब दो तरह की एडिशन मेरे सामने हो गई, एक हो गई सेक्शन 68 से लेके और 69D तक छह सेक्शन की एडिशन जिस पर 115B लगेगा, जिसका इफेक्टिव रेट है 83.25%, 77.25% टैक्स लगेगा और 6% पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271AAC, राइट। और जो बाकी एडिशन है उसके ऊपर मुझे नॉर्मल रेट पर टैक्स लगेगा और मुझे पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए। अब सेक्शन 115BBE में तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ये एडिशन इन छह सेक्शन से बाहर हो जाए, अगर ये छह सेक्शन मेरे ऊपर ट्रिगर ना हो तो मेरे ऊपर 115 बीबी नहीं लग सकता, क्लियर। बात समझ में आ गई, मैं छह के छह सेक्शन आज यहां डिस्कशन नहीं करूंगा। नाउ आई टर्न टू सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या कहता है, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एसएससी मेंटेन्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर and the SSC offers no explanation about the nature and source thereof or the explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactory, then the sum so credited may be charged to income tax as income of the SSC for that previous year. अब इसको हिंदी में समझें कि आपकी books of accounts में एक credit है, आपकी books of accounts में record किया हुआ है और SSC उसको explain नहीं कर पा, या जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तब वो क्या करेगा, वो उस क्रेडिट को आपकी इनकम बनाकर उस पर टैक्स लगा देगा, राइट। तो क्या हुआ, सेक्शन 68 इज अ डीमिंग फिक्शन, इस डीमिंग फिक्शन की प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो डीमिंग फिक्शन होती है इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट इन अकॉर्डेंस विद द वर्ड एंड मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन, जो उसका स्पेसिफिक वर्ड आ रहा होगा उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, राइट। अब इस सेक्शन की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है कि देयर हैज टू बी ए क्रेडिट इन द बुक्स और उसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है दैट इज इनकम, यानी कि बात क्या हुई कि जो क्रेडिट है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इट शुड नॉट बी इनकम,
मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा. सेक्शन 68 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसका जो डेस्टिनेशन है वो है इनकम. एक क्रेडिट विच इज ऑलरेडी क्रेडिटेड एज इनकम इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके ऊपर सेक्शन 68 इन माई ओपिनियन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई. कैसे अप्लाई होगा? यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरी बुक्स में एक क्रेडिट है विच इज नॉट एन इनकम. अगर मेरी बुक्स में क्रेडिट है विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज इनकम, तो उसके ऊपर सेक्शन 68 इन माई ओपिनियन एप्लीकेबल नहीं हो सकता. 115 BBE में चाहे आपने क्लॉज 1 में सबसेक्शन 1 के आपने जितनी मर्जी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी हो, लेकिन 115 BBE विल ट्रिगर आफ्टर फर्स्ट दिस सेक्शन इज ट्रिगर्ड. 115 की ड्राफ्टिंग में आप कहते हो कि एसएससी खुद अपनी 68 की इनकम डिक्लेयर कर सकता है? इन माई ओपिनियन इट कैन नॉट बी डन. हमें पहले सेक्शन 68 में रहना पड़ेगा. जब तक हम 68 से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक सेक्शन 68 के अंदर मैं नहीं आऊंगा, तब तक मेरे ऊपर 115 BBE नहीं लग सकता. अब ये जो बात हमने समझी, इसके पीछे मुख्य कारण है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं. मेरी बुक्स में सेल्स है विच इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? यानी कि जो सेल है वो तो ऑलरेडी इनकम है, तो सेल के ऊपर सेक्शन 68 अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, और जिसके लिए अच्छा खासा लिटिगेशन मैं समझता हूं आने वाले समय में आएगा. एंड वी विल हैव टू सी कि जो सेल का क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है, ये सेक्शन 68 उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता. हालांकि अभी बहुत ज्यादा जूरो स्टूडेंट्स का एक पार्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको दो जजमेंट बताता हूं जो जजमेंट आपके भविष्य में काम आएंगे. एक है डिप्लोमेट लीजिंग आईटी नंबर 4486 दिल्ली 2010, और दूसरा जजमेंट है टूब्रो इन्वेस्टमेंट TWOBRO इन्वेस्टमेंट आईटी नंबर 5929 दिल्ली 2011. ये दो जजमेंट इस बात को कहते हैं कि जब एक क्रेडिट है विच इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज सेल्स, विच इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इनकम, उसके ऊपर सेक्शन 68 कैसे अप्लाई होगा, राइट? तो ये सेक्शन 68 की इंटरप्रिटेशन है जो आपकी बहुत काम आने वाली है. अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 69 कैपिटल ए. आप सेक्शन 69 कैपिटल ए खोल लीजिए, राइट? वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर the assessee is found to be owner of any money, bullion, jewelry or valuable article, and such money, bullion, jewelry or valuable article is not recorded in the books of accounts, if any, maintained by him for any source of income, and the assessee offers no explanation about the nature and source of acquisition of the money, bullion, jewelry or other valuable article, or the explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer satisfactory, the money and the value of the bullion, jewelry or other article may be deemed to be income of the assessee for such financial year. Pehli baat kya karta hai? Ki assessee should be owner of any money, bullion, jewelry or valuable article. Ab ye jo paisa humne apne bank mein jama karaya, chahe wo mere paas specified bank notes ke roop mein ho ya wo mere paas bank balance ke roop mein ho, whether this falls in the definition of money, the answer is yes. ये money की definition में आएगा. यानी कि ये बात clear है कि जब भी मैंने पैसा bank में जमा कराया, specified bank notes मैंने bank में जमा कराया, तो this is money within the definition of section 69 के article A, right? अब section 69 कब trigger होगा? When I am found to be in order, तो ये condition तो satisfy हो गई. I am found to be owner of the specified bank notes. I am found to be owner of the specified bank notes deposited into my bank balance, which is converted into my bank. Here condition satisfied. Dusri condition. And such money is not recorded in the books of accounts, if any maintained by him for any source of income. Kya ye condition satisfied ho gayi? Because whatever money I have deposited in my bank, aur jo specified mere notes mere paas hain, wo meri books mein appear
हो रहे हैं, सेक्शन 69 कैपिटल ए आपके ऊपर तब ट्रिगर होना चाहिए जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं, राइट? बात समझ में आ रही? तो सेक्शन 69 ए ट्रिगर करने के लिए असेसिंग ऑफिसर विल हैव टू प्रूव कि जो पैसे आपने बैंक में जमा कराए हैं वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तभी सेक्शन 69 कैपिटल ए ट्रिगर हो सकता है, अदरवाइज सेक्शन 69 कैपिटल ए ट्रिगर नहीं हो सकता। अब हमने मान लिया कि 68 में भी मेरी सेल रिकॉर्डेड है, 69 कैपिटल ए में मेरी जो बैंक में मैंने कैश, अभी सिचुएशन क्या है, मेरे पास सेल क्रेडिट की आइटम है, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स या फिर बैंक बैलेंस मेरी डेबिट की आइटम, राइट? अगर वो बोगस सेल बोलेगा तो उसको 68 लगाना पड़ेगा, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स के ऊपर और बैंक बैलेंस के ऊपर 68 नहीं लगा सकता, उसके लिए उसको 69 कैपिटल ए लगाना। यानी असेसिंग ऑफिसर के पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे ऊपर वो सेक्शन 68 लगाएगा या फिर वो एडिशन करेगा 69 कैपिटल ए। और यदि ऐसे में असेसिंग ऑफिसर ने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट नहीं की, बात समझ में आ गई? यानी असेसिंग ऑफिसर को 68 और 69 कैपिटल ए लगाते हुए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि वो बुक्स, वो तब मेरी बुक्स रिलायबल नहीं होंगी, और जो ये कंडीशन इसमें लिखी है द क्रेडिट इन बुक्स एंड द मनी रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये दोनों कंडीशन जब तक मेरी सेटिस्फाई होती रहेंगी, जब तक असेसिंग ऑफिसर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट?